थ्री। कल मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक उड़ाते हुए, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के सीनियर्स आते हैं और वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने भी ऐसा वीडियो देखा है क्या, जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का खूब मजाक उड़ाया जाता है कि ये लोग सपने दिखाते हैं और फिर वो एक साइकिल चलाता हुआ आदमी दिखता है BMW के सपने दिखा करके। तो पता नहीं, मुझे लगा यार ये लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, तुमको कुछ दिखाया जाए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या उसमें फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत काम का वीडियो होगा। ऐसे ही जैसे वहां पे दिखाया गया नेटवर्क मार्केटिंग के झूठे सीनियर जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, सच्चाई में कुछ नहीं होता है, ऐसे ही सपने दिखा दिखा के लोगों को बर्बाद किया जाता है। तो मैं आज आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने भी किसी व्यक्ति को एक झूठा सपना दिखाया था BMW लेने के लिए, और वो पहले इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग करते थे, आज उनकी पहचान लाखों लोगों के बीच में है और वो कंगाल नहीं हुए, बेकार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सीरियस वे पे, एथिकल वे पे बिजनेस करते हुए काम किया। और इनको आप सभी लोग जानते होंगे, ये हैं मिस्टर रत्नेश तिवारी, जो इंजीनियरिंग करते हुए बिजनेस स्टार्ट किए। आज ये 70 लाख की BMW यहाँ पे खड़ी है। भैया साइकिल नहीं है, ये BMW है। नंबर दिखा दे भाई, नंबर, ये नंबर नोट कर लो और RTO ऑफिस में जाके पता कर लेना कि ये इनकी है कि नहीं है। तो ये जो मजाक उड़ाते हो ना तुम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के झूठे सीनियर्स, तो ये आओ दिखाता हूँ। और दूसरा, जब इनको मैंने फंसाया तो इन्होंने भी किसी को फंसाया, तो आओ दिखाता हूँ इन्होंने किसको फंसाया। तो रत्नेश ने फंसाया एक DK नाम के आदमी को, जो 800 रुपए की जॉब करते थे उस टाइम पे। भाई इन्होंने भी फंसाया, झूठा सपना दिखाया नेटवर्क मार्केटिंग का, वो झूठा सपना दिखा करके इन्होंने फंसाया और इन्होंने बिजनेस किया, 5-6 साल मेहनत की और उसके बाद आज इनकी आमदनी वाकई में लाखों में है। और साथ में इन्होंने, ये देखिए, मर्सिडीज गाड़ी ली हुई है। नंबर दिखा दे भाई, नंबर दिखा दे। सुनो, ये तुम लोग चेक कर लेना, स्कैनिंग कर लेना, फिर इस पे एक और वीडियो बना लेना झूठा वाला। इधर आओ, इधर आओ। ये है DK नरवरे, जो आज लाखों रुपए की कमाई वाकई में करते हैं, कंगाल नहीं हुए, चाय के ठेले में नहीं खड़े हम लोग, अंदर प्रोग्राम होने वाला उस पे जा रहे हैं। फिर अब हमने इनको फंसाया, इन्होंने इनको फंसाया, फिर इन्होंने भी किसी को फंसाया, वापस झूठा सपना दिखाया। तो वापस झूठा सपना दिखाने पर एक ये ऑडी गाड़ी आ गई, इसके जो खरीदने वाले राजेंद्र दिगर से हैं वो स्टेज में है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। नंबर तुम लोग नोट कर लो, चेक कर लेना। और DK नरवरे ने ही अपने एक और आदमी को फंसाया, और ये है राम हरोड़े, है ना, और इनकी गाड़ी है ये BMW, ठीक है। और ये सिर्फ अभी हमारा एक प्रोग्राम है, छोटा सा यहाँ पे अंदर प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर इतनी गाड़ियां खड़ी हुई है। और इसके अलावा करीबन 300 से ज्यादा गाड़ियां लोग अपनी माई लाइफ स्टाइल बिजनेस से खरीद चुके हैं, बहुत सारी सक्सेस हम लोग ले चुके हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग जब ये झूठे सपने दिखाने वालों के वीडियो को वायरल करते हो ना, तो इस वीडियो को भी इतना वायरल करो जिससे इन लोगों को जवाब मिले कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ झूठे सपने दिखाने का धंधा नहीं है, ये वाकई में एक बिजनेस है और यहाँ लोगों की जिंदगी वाकई में बदलती है। शेयर करिए इस वीडियो को, अगर आप एक सीरियस नेटवर्क मार्केटर हैं, ईमानदार नेटवर्क मार्केटर हैं। बाकी जो झोलझाल कंपनियां हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी हैं जहां पे सीरियस नेटवर्क मार्केटिंग होती है। और सुनो ये मजाक उड़ाने वालों, पहले सच्चाई को जान लिया करो। जिंदगी जितना तुम समय ये वीडियो बनाने में देते हो ना नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक, उतना समय अगर नेटवर्क मार्केटिंग को समझने में दे दो, तुम्हारी भी BMW ऑडी मर्सिडीज आ सकती है, और नहीं भी आई वो भी तुम्हारी जिंदगी तो बेहतर बन सकती है किसी भी और काम की तुलना में, समझे।